कार्डिनलिटी होती है उसमें हमने जो सेट ऑफ परसेंटेजेस है उसकी कार्डिनलिटी हमने की थी अलीफा नॉट, और सेट ऑफ परसेंटेज जो है काउंटेबल भी है, यानी कि काउंटेबली इनफिनिट भी है और डीनंबरेबल भी है। पी क्रॉस पी जो है वो भी डीनंबरेबल है और काउंटेबल है। अब हमने ये देखा कि जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ इक्विपोटेंट हो जाए, यानी कि इनके दरमियान में एक मैपिंग हो, मैपिंग से मुराद फंक्शन हो, ऐसा फंक्शन हो जो बाइजेक्टिव हो, मींस कि वो फंक्शन ऑन टू भी हो और वन टू वन भी हो, तो ऐसे दो सेट्स को हम इक्विपोटेंट भी कहते हैं, सेम कार्डिनलिटी वाले सेट भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो इनको हम कहते हैं जिन कार्डिनलिटी जो है अलीफा नॉट है। अगर कोई फाइनाइट सेट है डेफिनेटली उसमें एग्जैक्टली एम एलिमेंट्स होंगे और जितने होंगे उतने हम लिख देंगे। ये जो इसको बताते हैं ये बेसिकली सिंबल होती है कि फॉर एग्जाम्पल ये सेट ऑफ इंटीजर्स जो है उसकी कार्डिनलिटी क्या है, तो हम कहते हैं जी ये इसकी कार्डिनलिटी अलीफा नॉट है। अलीफा नॉट इज द सिंबल, एक सेट लिया आपने उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी हैं, तो उसकी कार्डिनलिटी को हमने डिनोट किया फोर से। फोर इज द सिंबल, फोर जो है बेटा वो सिंबल है इसमें, जो आपको बताती है कि इस सेट में इतने एलिमेंट है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। हमने सेट ऑफ रेशनल नंबर को भी देखा कि जो Q है उसको हमने डिवाइड किया इनटू थ्री सेट्स, एक हमने पॉजिटिव का लिया, एक नेगेटिव का और एक सिंगलटन सेट जीरो लिया। जो बेटा सिंगलटन सेट होगा या फाइनाइट सेट है वो डीनंबरेबल होता ही है बेटा। बाकी दो को हमने चेक कर लिया, मैंने कल पॉजिटिव के लिए आपको बता दिया था, इसी तरह आप नेगेटिव के लिए भी चेक कर सकते हैं। हमने उनके दरमियान में एक मैपिंग, एक फंक्शन बनाया था और फंक्शन हमने डिफाइन किया था कि एफ ऑफ पी ओवर क्यू जो है वो पी कॉमा क्यू, यानी कि पेयर के इक्वल आता है। अच्छा बेटा आज मैं इसके ऊपर बता नहीं सकूंगा क्योंकि मैंने लैपटॉप नहीं है, उसकी चार्जिंग भी खत्म थी, मैं मोबाइल से करवा रहा हूँ इसलिए लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही बता दूंगा आपको बुक से ही, अगर आपको मैं बता दूं तो समझ, अगर कोई हुई तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको बता दिया जाएगा। अच्छा बेटा आपको कल भी मैंने पूछा था किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, तो फिर बाद में फिर मैसेज आ जाता है सर मैं तो क्लास में मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो आप बताएं पेपर के हवाले से, वो अजहर साहब आपके मसाइल जो है वो देख रहे हैं। मेरे ख्याल है कल एक दो बच्चे का रीटेक भी करवाया उन्होंने या शायद आज है, बहरहाल वो अगर कोई मसला हो तो बता सकते हैं। अच्छा बेटा अब यहां पे बात ये है कि रियल नंबर्स आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स और पावर ऑफ द कंटिन्यूम, ये बेसिकली सी से, इसको कंटिन्यूम से मतलब सी से डिनोट करते हैं इसको, आगे जाके वो सिंबल भी आएगी और ये प्रूफ भी आएगा। कल आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर कोई ऐसी एग्जांपल दे जो डीनंबरेबल ना हो। अगर आप देखें यूनिट इंटरवल आपके पास है आई जो के 0 1 के इक्वल है, ये नॉन डीनंबरेबल है। अगर आप इसमें गौर करें ये इसका बेटा प्रूफ आएगा, प्रूफ अभी मैं यहां नहीं करवा रहा, मैं आपको एक जो है ना वैसे एक कंसेप्ट बता रहा हूं। 0 और 1 जो है ये इंटरवल है 0 से 1, आप कहेंगे सर ये तो छोटा सा सेट है ये कैसे काउंटेबल नहीं है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, छोटा सेट नहीं है, ये एक इनफिनिट सेट है। ये जो इंटरवल आपको 0 1 नजर आ रहा है ना ये इनफिनिट सेट है। अगर आप रियल लाइन के ऊपर जाएंगे तो 0 से 1 तक एक सॉलिड लाइन बनेगी, लाइन सेगमेंट बनेगा जिसमें 0 और 1 भी इंक्लूड है और उसके दरमियान में तमाम एलिमेंट्स मौजूद है। इसका मतलब 0 से 1 जो है उसके अंदर रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं।
इसमें ब्रेक नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि 1 और 2 के दरमियान में ब्रेक है, ये तो सॉलिड लाइन है और इसमें कहीं ब्रेक नहीं है, तो ये कंपेयर हो ही नहीं सकता। इनके दरमियान में अगर आप सेटअप ऑफ इंटीजर के साथ इसका 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस लेंगे तो कोई फंक्शन ऐसा डिफाइन नहीं हो सकता जो बाइजेक्टिव हो इन दोनों के दरमियान में, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और ये जो आई है हमारे पास इसके दरमियान में। तो लिहाजा ये जो यूनियन इंटरवल है I01 ये नॉन डिनेबरेबल है। ये कैसे, ये आगे जाके मैंने कहा प्रूफ में आएगा तो वहां देखिएगा। अब उन्होंने एक एग्जांपल यहां पे सेट कर दी है कि जो बी कोई सेट जो है जिसका जो कार्डिनलिटी जो है वो आई इंटरवल के से सेम हो जाए तो उसकी जो कार्डिनलिटी होगी उस सेट की वो होगी पावर ऑफ द कंटिनम। वो नीचे देखिएगा लिख रहा है 6.5 में, ए सेट ए इज सेट टू हैव द पावर ऑफ कंटिनम इफ ए हैज द सेम कार्डिनलिटी एज द यूनियन इंटरवल 0 1। इसका मतलब है कि जितने भी इंटरवल हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सारे सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट होते हैं। 0 1 ले लें, 1 से 2 ले लें, 2 से 3 ले लें, कोई भी इंटरवल ले लें, ओपन ले लें, क्लोज ले लें, हाफ ओपन ले लें, हाफ क्लोज ले लें, जितने भी इंटरवल होंगे वो सारे क्या होंगे, उनकी कार्डिनलिटी ऐसे ही होगी जैसे कि आई की है। तो हम कहेंगे कि वो तमाम इंटरवल जो हैं वो पावर ऑफ द कंटिनम रखते हैं, यानी कि उनकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, पावर ऑफ द कंटिनम। उसको सी से डिनोट करेंगे, आगे जाके देखिएगा। अब यहां पे उसने नीचे इंटरवल भी बता दें, पहले भी मैंने डिस्कस कर चुका हूं कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, हाफ ओपन या हाफ क्लोज क्या होता है। इसका मतलब है कि जितने भी सब इंटरवल हैं सेट ऑफ रियल नंबर के, सेट ऑफ रियल नंबर खुद भी जो है वो नॉन डिनेबरेबल होगा। सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, नॉन डिनेबरेबल है, और उसके जितने भी सब इंटरवल हैं, सेट नहीं, सेट तो उसका सबसेट तो उसका क्यू भी है, पी भी है, एन भी है, डब्ल्यू भी है, सेट की बात नहीं कर, जो इंटरवल होंगे उसके सब इंटरवल वो सारे के सारे जो है वो पावर ऑफ द कंटिनम रखेंगे, क्योंकि उनकी कार्डिनलिटी जो है वो आई के साथ मैच करती है। क्या हुआ बेटा? जी बेटा पूछिएगा। सारे इंटीग्रल्स डिनेबरेबल है। कौन सा इंटरवल जो है जो कि जी जी सब इंटरवल, सारे इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं, 0 1 2 -1, वो तो बेटा वो तो डिनेबरेबल ही है ना, वो तो काउंटेबल है। जी सर ओके। जिनके दरमियान में गैप मौजूद है ना, जिनके दरमियान में गैप मौजूद है वो तमाम सेट जो हैं वो डिनेबरेबल होंगे। जिनके दरमियान में गैप नहीं ना है, जैसे 0 से 1 इंटरवल है, 1 से 2 इंटरवल है, या सेट ऑफ रियल नंबर है, इनके किसी भी दरमियान में गैप नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन डिनेबरेबल है। ठीक है बेटा? जी सर ओके। कोई बात पूछनी है? नो सर। अब ये देखे, ये एक उसने रियल नंबर्स आर के हवाले से एक बात लिखी हुई है, वो कहता है ये लास्टली वी नोट दैट द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स आल्सो हैज द पावर ऑफ द कंटिनम। यही बात आपसे बताई थी ना कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो क्या है, वो पावर ऑफ कंटिनम रखता है, क्योंकि ये नॉन डिनेबरेबल है। तो इसके सारे के सारे जो सब इंटरवल है, मैं बार बार सब इंटरवल कह रहा हूँ, मैं सेट नहीं कह रहा, सब इंटरवल जो है इसके वो सारे सारे नॉन डिनेबरेबल है। अगर स्पेसिफिकली कंसीडर द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू डी वेयर डी इज इक्वल टू -1 to 1, ये ओपन इंटरवल है, डी ओपन हो क्लोज्ड हो कोई भी हो वो सारे क्या होंगे, वो सारे नॉन डिनेबरेबल होंगे। ठीक है, वो कहते हैं फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इसका ग्राफ भी दिया हुआ है 6.2 में, शायद आगे जाके देखते हैं किधर दिया ग्राफ, अगले पेज पे है।
बात ये कि आगे बात करते हैं इसकी। ये इसका ग्राफ भी दिया हुआ है, ये जो फंक्शन है ये देखें जरा गौर से, इसमें भी आपको कहीं कोई गैप नजर नहीं आ रहा, एक सॉलिड लाइन है। तो लिहाजा ये वाला जो होगा ये भी पावर ऑफ कंटिन्यूम रखेगा। ठीक है, चले आगे बात होती रहेगी, आगे बात को समझाने में आसानी भी रहेगी। मैंने सिर्फ थोड़ी सी बात की है, आगे इसकी डिटेल आएगी उसके ऊपर बात करेंगे। अरे ये आप देखिएगा, एक बड़ी खूबसूरत बात, कल मैंने कार्डिनल नंबर आपको बता दिए थे कि उसको डिनोट कैसे करते हैं और वो कंपेयर कैसे करते हैं। आपने सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को ही ध्यान में रखना है कि उसका किसी भी सेट के साथ अगर इकोपोनेंट है तो वो सेट भी डिनोमिनेटेबल होगा और उसकी कार्डिनलिटी भी वही होगी जो कि पी की है, जिसको हमने लिफा नॉट कहा था। अब नीचे उसने फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स कहा है, देखे ना, मैंने ऊपर बात जो की थी वो की थी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की, इन्फिनिट सेट्स की बात की थी। अब जो ये बात करने जा रहा है वो फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स की बात करने जा रहा है। जो फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स हैं डेफिनेटली वो सेट्स की बात कर रहा है जो कि फाइनाइट है। वो कैसे, वो कहते हैं जी उनको हमने असाइन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल बेटा क्वेश्चन आपके सामने, एक हमने एम्प्टी सेट लिया है, एक एम्प्टी सेट, मुझे बताइएगा आप लोग बताइएगा उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी एम्प्टी सेट की। जी बेटा जीरो होगी, वन होगी या जीरो होगी, और बच्चा बताए जीरो होगी, जीरो होगी। जीरो क्यों होगी, जिसमें कोई सेट एलिमेंट ही नहीं है, कोई। अच्छा वन क्यों होगी, जो बच्चे ने वन बताया था वन क्यों होगी सर, वो फाइनाइट तो है ना, फिर उसमें एम्प्टी भी है तो हम उसकी कार्डिनलिटी तो वन ही लिखेंगे ना। अच्छा सर, वो मिड ब्रैकेट में क्लोज होगी ना, फिर उसकी वन होगी, अगर वो क्लोज ना होगी फिर उसकी जीरो होगी। ये भी एक अच्छी बात की आपने, बिल्कुल सही है। चले थोड़ी सी बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सबने बड़ी अच्छी बात की। देखिए बात ये है कि जो एम्प्टी सेट होता है ना, अब तो उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। एम्प्टी सेट को दो तरीकों से लिखा जाता है, एक तो वो फाई से डिनोट किया जाता है या दो मिडल ब्रैकेट लगा देते हैं, बीच में कुछ भी नहीं लिखते। इसका मतलब है कि जो उसकी कार्डिनलिटी है उसको हम सिंबल देते हैं जीरो। क्या सिंबल देंगे उसको बेटा, जीरो, तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज जीरो। अब हमने देखना है कि अगर उसके अंदर एक एलिमेंट आ जाए, जैसे ही आपको नजर आ रहा है वो फाई जो है आपको ब्रैकेट के अंदर नजर आ रही है, अगर एक एलिमेंट आ गया, दिस मींस कि इस सेट को हम वन से असाइन करेंगे कि उसकी कार्डिनलिटी है वो वन है, वो एक ही एलिमेंट मौजूद है। अगर आप दूसरे वाला देखें, अच्छा उसने भी आगे ना वो ब्रैकेट दूसरी लगा रहा है, वो दूसरी ब्रैकेट नहीं है, ये वाली मिडिल ब्रैकेट नहीं है, ठीक है ना बेटा, ये जो अंदर उसने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, वो मिडिल ब्रैकेट नहीं है सारी। देखिए आगे लिखा है उसने एम्प्टी फाई कॉमा, फिर सेट के अंदर जो है वो फाई लिखा हुआ है। तो बताइएगा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं सर, इसमें टू एलिमेंट्स हैं, टू एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी फिर, टू होगी, यानी कि हमने डिनोट किससे किया, टू से डिनोट कर दिया, अगले वाले को थ्री से डिनोट कर देंगे, अगले वाले को फोर से डिनोट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जो फाइनाइट है हमारे पास सेट्स, ये फाइनाइट सेट्स हैं सारे, ठीक है बेटा, इनको उसने क्या किया है, उसने सिंबल असाइन कर दिए हैं जो कि जीरो वन टू थ्री, वो उसने सिंबल दे दिए हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी सेट के अंदर एन एलिमेंट्स होंगे तो उसको किससे डिनोट करोगे, एन से डिनोट करोगे। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, एक एन आपका कार्डिनल नंबर को शो कर रहा है, एक नंबर आपको एन बता रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन तक, दोनों में ना है एन ही दोनों, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा।
वो क्या डिफरेंस है, अगर आप यहाँ देखें गौर करें इसको, जो मैंने लिखा हो ना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू एन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्विवेलेंट टू दिस सेट 1 2 3 टू एन, ये जो एन आपको लिखा नजर आ रहा है ना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यानी कि कार्ड नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एन जो लिखा हुआ है, ये एन बता रहा है दिस एन इज द सिंबल टू शो द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, ये जो एन है ना टेक्निकली आपकी सिंबल है, ठीक है लिखना एन ही आपने इसको भी, ये है ही एन, लेकिन ये सिंबल है कार्डिनलिटी को शो करने वाली। और ये दूसरा लिखा हुआ है ना उसने ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 और सो ऑन एन, ये जो एन अंदर लिखा हुआ है आपने सेट के अंदर, ये एन जो है ये एलिमेंट बताता है, देखिए ना दोनों है ही एन लेकिन टेक्निकली दोनों में डिफरेंस है, एक एन सिंबल है जो उसकी जो है वो कार्डिनलिटी बता रहा है और एक एन जो है वो एलिमेंट है उस सेट का, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। ये अब देखिए नीचे उसने एक लाइन लिखी हुई है जरा गौर से पढ़िएगा, ऑल्दो the natural number n and the cardinal number n are technically different things, यानी कि जो वो n जो अंदर बता रहा है वो क्या है, वो natural number को show कर रहा है और जो sim जो आपके पास उसकी symbol है वो उसकी cardinality को show कर रहा है, दोनों में technically different है दोनों, ठीक है। देर आगे लिखता है there is no conflict using the same symbol in these two roles, the cardinal numbers of the finite sets are called finite cardinal numbers। देखे ना अब है तो दोनों एक ही है लेकिन जब हम कार्डिनलिटी की बात करते हैं तो वो सिंबल बताता है और उसके बाद जो अंदर लिखा हुआ एलिमेंट वो उसका नेचुरल नंबर है, ठीक है दोनों में टेक्निकली फर्क है जी बेटा। यहाँ किसी की बात है तो पूछ ले सर, पाई कि वो कार्डिनलिटी जीरो कब होती है? किसकी बेटा? सर पाई की मतलब एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट देखे ना, जो एम्प्टी सेट है वो पाई तो एक सिंबल है उसको डिनोट करने के लिए, बेसिकली वो दो मिडल ब्रैकेट के साथ शो किया जाता है और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, देयर इज नो एलिमेंट इन द एम्प्टी सेट, तो एलिमेंट नहीं है तो डेफिनेटली उसकी जो कार्डिनलिटी है वो जीरो होगी। जी बेटा क्लियर है बात कि नहीं? जी सर। ये आप लोगों ने मुर्गियां रखी हुई हैं? बेटा मुर्गियां रखी हुई हैं आप लोगों ने? आवाजें आ रही हैं पीछे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये कौन सी अच्छी बात है? गांव से? मेरा आपका तल्लुक गांव से है? जी सर। अच्छा अच्छा मैंने भी घर में रखी हुई है, ऊपर छत पे रखी हुई है, शहर में बच्चों ने शौक से रखी हुई है, अच्छी बात होती है घर के जो कम से कम अंडे तो मिल जाते हैं। अच्छा चले जी। हाँ बेटा यहाँ बात कर रहे थे, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांस फाइनेट कार्डिनल नंबर्स अलीफा नॉट एंड सी पावर ऑफ द कंटिन्यूम। जो देखे ना मैं पहले बात कर चुका था कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आगे जाके मैंने बताना है आपको। तो ट्रांस फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि फाइनाइट सेट्स को शो करते हैं, जो वो सेट्स जो फाइनाइट है उनको जो सिंबल्स शो करती हैं वो ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स होते हैं, यानी कि फाइनाइट है वो। और जो अलीफा नॉट है वो बेसिकली आपका डिनोमिनेटर या कॉन्ट्रोलेबली इनफिनिट जो सेट होता है उसके कार्डिनल नंबर को शो करते हैं। और जो स्मॉल सी है वो द पावर ऑफ कंटिन्यूम है, वो ऐसे सेट्स के बारे में है या ऐसे इंटरवल्स के बारे में है जो के नॉन डिनेबरेबल होंगे। जैसे वो यूनिट इंटरवल बात की आपने, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मुझे बताइएगा कि सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है? जी बेटा। सर इसकी सी होगी, पावर ऑफ कंटिन्यू होगी सर, पावर ऑफ कंटिन्यू। माशाल्लाह आप तो लाइक हो गए हो सारे बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने। ये तो यही असल में आपकी जो कंसेप्ट है यही आपके क्लियर करने होते हैं बेटा,
या आपको कम से कम बात की समझ तो आए ना, कह क्या रहे हो और आपको पता चले कि है क्या ये। कई दफा ऐसा होता है बंदा पढ़ता चला जाता है, बंदे को ये नहीं पता चलता क्या क्या रहे हैं। अब आपको क्लियर हो गया है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो हो या उसके सब इंटरवल हो, उन सब की जो कार्डिनेटी है वो सी है पावर ऑफ दी कंटिन्यूम। और जो डीनेवरेबल जो सेट्स हैं जो कि इकोपोटेंट टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिनकी कार्डिनेलिटी जो है वो सेम है, जैसे कि पी की है, पी की कार्डिनेलिटी अलीफा नॉट है, जैसे वो एग्जांपल हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, ये जितने भी सेट्स हैं तमाम जो है वो डीनेवरेबल है, तो इनकी कार्डिनेलिटी जो है वो अलीफा नॉट है। इसके अलावा हमने प्रीवियस पेज के ऊपर ये पढ़ा कि जितने भी फाइनाइट सेट्स हैं उन तमाम की जो कार्डिनेलिटी है वो कार्डिनेलिटी जो है वो सिंबल हम उसको डिनोट करते हैं सिंबल से। वो कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? जीरो से अगर एम्प्टी सेट है, सिंगल टेन सेट है तो वन से, अगर उसमें एलिमेंट्स टू हैं तो टू से, अगर थ्री एलिमेंट्स हैं तो थ्री से शो करते हैं उसको। अगर उसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं तो उसकी जो कार्डिनेलिटी है वो एन से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, आपको ये उस दोनों एन में फर्क भी पता चल गया होगा कि जो कार्डिनेलिटी को शो करता है एन वो सिंबल है और जो दूसरा एन है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है बेटा, क्लियर है ना बात? यस सर। आप लोग बोलते हैं ना तो हौसला मुझे मिल जाता है कि मेरे बच्चों को समझ आ रही है। बेसिकली समझ आना ही सबसे बड़ी बात होती है। अब मैंने आपको जो डिटेल बताई है उसको थोड़ा सा यहाँ से रीड भी कर लेते हैं। क्या लिखता है वो? कहता है जी, कार्डिनल नंबर्स ऑफ इनफिनिट सेट्स आर कॉल्ड इनफिनिट और ट्रांसफिनिट कार्डिनल नंबर्स। अब ये जरा ज़हन में रखनी है बात। फाइनाइट वाली बात तो पीछे हो चुकी थी ना, वो तो मैं पढ़ा चुका था। ये आ गए इनफिनिट और ट्रांसफाइनिट। ये इनफिनिट और ट्रांसफाइनिट एक ही वर्ड है, इसको दो नहीं समझने। फाइनाइट और है, फाइनाइट वाला तो हो गया था, ये ट्रांसफाइनाइट है। ठीक है बेटा, इनफिनिट और या ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर जो है वो बेसिकली उसको किससे डिनोट करते हैं बताइएगा? सर अलीफा नॉट से। हम भी बनाते हैं तो आपको भी इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा स्टाइलिश होता है, ये अलीफा नॉट जो लिखा हुआ है। वो कहता है जी विच which is read alifa not, this notation was introduced by Cantor। ये बड़ा बहुत ही बड़ा मैथमेटिशियन है Cantor। इसका थ्योरम भी आप पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ लगेगी कि Cantor ने क्या क्या किया हुआ है। तो वो कह रहा है कि this symbol, the symbol alifa, alifa जो है alifa basically is the first letter। alifa not तो हम दे रहे हैं ना उसको नाम, यानी साथ जीरो लगा के तो alifa not, लेकिन जो सिंबल अलीफा है ना इज द फर्स्ट लेटर अलीफा ऑफ द हेब्रियो अल्फाबेट। ठीक है ना? वो कह रहा है कोई सेट ए है जो कि इनफिनिट सेट है, उसकी जो कार्डिनेलिटी है वो हम अलीफा नॉट से शो करते हैं इफ एंड ओनली इफ वो सेट्स जो के सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ इकोपोटेंट होंगे उन तमाम की जो कार्डिनेलिटी है वो अलीफा नॉट है। अब मेरा ख्याल आप लोगों को ये तो बात बड़े अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से ऐसे सेट्स हैं जिनकी कार्डिनेलिटी जो है वो अलीफा नॉट हो सकती है और उसको हम इकोपोटेंट कैसे चेक करते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इकोपोटेंट चेक कैसे होता है। इकोपोटेंट जो है वो बेसिकली कैसे चेक होता है कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं सेट पी और जो गिवन सेट है उसके दरमियान में,
अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो यानी कि वन वन और आन टू हो तो हम कहते हैं कि ये दोनों सेट जो है इक्विपोटेंट है, सो उनकी जो कार्डिनलिटी होगी वो भी सेम होगी. इन पर्टिकुलर वी हैव द कार्डिनलिटी ऑफ z सेट ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू अल्फा नॉट एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रैशनल इज आल्सो अल्फा नॉट. कह रहे हैं कि द सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो इन अलीफा नॉट इज डिस्कस्ड इन चैप्टर 8. अच्छा वो कह रहे हैं कि जो इसकी जो सिग्निफिकेंस है ना, ये जीरो जो लगाया हुआ साथ जिसको अलीफा नॉट कह रहे हैं, वैसे तो अलीफा ही है ना ये वर्ड, लेकिन नॉट लगा दिया साथ तो अलीफा नॉट है. वो कहते हैं जी चैप्टर नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे. चले जी जब वहां करेंगे तो देखी जाएगी. ठीक हो गया, फिलहाल हम अगली बात करते हैं. कह रहा है कि द कार्डिनल नंबर ऑफ द यूनिट इंटरवल आई इज इक्वल टू 0 1 इज denoted by C. ये भी हमें क्लियर हो गया कि इसको हम कहते हैं कि this is called the power of the continuum. Thus, the cardinality of A is equal to C if and only if this A is equipotent to I. I mean वो unit interval. कोई भी set जो unit interval के साथ equipotent होगा उन तमाम की जो कार्डिनलिटी होगी वो सी होगी, मींस पावर ऑफ कंटिन्यूम होगी. जी बेटा वो आप कहते थे इन पर्टिकुलर वी हैव द कार्डिनलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू सी एंड द कार्डिनल नंबर ऑफ एनी इंटरवल इज सी. वो तमाम सेट्स या इंटरवल्स व्हिच हैव द सेम कार्डिनलिटी एज द यूनिट इंटरवल, all sets which are equipotent to unit interval I have the power of continuum, means the cardinality of those sets will be C. okay, aage beta baat kar raha hai, the following statements follows directly sir, from the ji beta sir, ye unit interval koi bhi interval ho sakta hai na. जी, यूनिट इंटरवल बेसिकली जो लिया जाता है वो 0 1 होता है, यानी कि उनका ये एक जनरल एक लिया हुआ है, लेकिन इंटरवल तो कोई और भी हो सकता है. जैसे मैंने अभी बात की 0 से 2 ले लें, 1 से 2 ले लें, 3 से 4 ले लें, ठीक है ना, -4 से -3 ले लें, ये सारे इंटरवल जो है ये सारे के सारे जो है ये भी पावर ऑफ कंटिन्यूम रखेंगे. देखिए countable है तो वो या तो वो फाइनेट होगा, फाइनेट मींस कि एग्जैक्टली उसमें n एलिमेंट्स होंगे, या वो जो है उसकी जो कार्डिनलिटी है वो अल्फा नॉट. countable में दो चीजें होती हैं, countable जो सेट होते हैं वो या फाइनेट होते हैं या क्या होते हैं इनफिनिट होते हैं. फाइनेट होते हैं तो वो बात है कि सिंबल होगी 0 1 2 3 में से कोई उसकी. अगर वो फाइनेट नहीं है तो डेफिनेटली फिर उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, अल्फा नॉट होगी. वो सी में लिखता है कि ए हैज द पावर ऑफ द कंटिन्यूम मींस द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू सी. जी बेटा अब यहाँ पे किसी को बात है तो पूछ ले. सर ये फिनाइट फाइनाइट तब ना होगा तब भी इसकी लिखेंगे ना अल्फा नॉट से. जी 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 अगर फाइनाइट है तो फिर तो 1 0 1 2 3 में से लिखी जाएगी ना. जी सर मैं बी पार्ट बी पार्ट में दो चीजें लिखी हुई है ना, एक लिखी हुई है countable कौन कौन से होते हैं सेट बताइएगा. फाइनाइट भी हो सकते हैं countable, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं. फाइनाइट हो गया तो उसकी कार्डिनलिटी होगी 0 होगी 1 2 3 इनमें से कोई होगी. अगर वो इनफिनिट होगी तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, क्योंकि डिनेबरेबल तो होता है जो countable होता है, डिनेबरेबल होता है और countable होता है, तो उसकी जो कार्डिनलिटी है वो अल्फा नॉट होगी. ठीक है बेटा. जी सर. सर जी ओपन इंटरवल होगा तब भी उसकी कार्डिनलिटी पावर ऑफ कॉन्टिनेंट होगी. बिल्कुल, पहले मैंने बात की थी कि ओपन हो क्लोज हो,
हाफ ओपन हो हाफ क्लोज हो, तो उसकी जो कार्डिनलिटी है वो पावर ऑफ द कंटिन्यूम की होगी, यानी कि सी होगी। ठीक हो गया बेटा? तो सर हम सिर्फ सी लिख देंगे उसकी जगह पे, कोई मतलब? जी जी बिल्कुल सी लिख देंगे, सी लिख देना आप। ठीक है बेटा? यस सर, क्लियर हो गया। अच्छा आगे इसके अंदर ऑर्डर है, जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं ना उनकी ऑर्डर होता है, क्योंकि नंबर्स है ना उसमें आपको लेस और ग्रेटर बता सकते हैं। देखिए आपकी जो कार्डिनलिटी है वो बेसिकली क्या बताती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट। तो इसका मतलब ये कि अगर सेट में किसी सेट में दो एलिमेंट्स हैं, किसी में तीन है, तो ऑर्डर तो बन गया ना कि सेट ए जो है वो उसकी स्ट्रेंथ लेस कम है सेट बी की निस्बत। तो अभी हम उसको देखते हैं, ये एक डेफिनेशन भी दी हुई है ऑर्डर के हवाले से। ऐसे होता है कि जैसे सेट ऑफ रियल नंबर में ऑर्डर क्या होता है कि ए जो है वो लेस होता है बी से, ऐसा ही होता है ना ऑर्डर। एक नंबर जो है दूसरे से लेस होता है या ग्रेटर होता है या इक्वल होता है। देयर आर थ्री कंडीशन, इसको ट्राइशोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें तीन कंडीशन होती है। सेट ऑफ रियल नंबर में ट्राइशोटोमी प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि दो नंबरों को कंपेयर किया जा सकता है कि एक नंबर दूसरे से लेस होता है, ग्रेटर हो सकता है या वो इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन जो दी हुई है 6.6 जो है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स व्हिच से दैट द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ बी। ये जो लिखा है ना एब्सोल्यूट वैल्यू, नहीं इसको पढ़ना, यहाँ हम यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ये इसको कार्डिनलिटी पढ़ रहे हैं। ये दो लाइनें लगा रहे हैं ना, ये सिंबल है कार्डिनलिटी को शो करने की। तो ये बात ध्यान में रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसको एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ते रहे, एब्सोल्यूट वैल्यू कहीं और पढ़ी जाती है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर की ली जाती है, ठीक है ना बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की ली जाएगी या किसी और नंबर की। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये इसकी कार्डिनलिटी को शो कर रहा है। वो आप एन आप से भी शो कर सकते हैं, इसको आप इससे भी शो कर दें, और सी आर डी से भी शो कर सकते हैं, वो तीनों मैंने आपको पीछे बताए। वो कह रहे हैं कि लेट ए एंड बी टू सेट व्हिच से दैट द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ बी इफ ए हैज द सेम कार्डिनलिटी एज ए सबसेट ऑफ बी और Equivalently, if there exists one injective function f a to b, ये basically injective mean ये आपका into जो function होता है ना, जिसमें आपकी जो range है वो codomain के equal नहीं होती, यानी कि उसका subset होती है। तो एक element कम से कम एक element बच जाता है, cardinality check करनी होगी या equivalency check करनी होगी या इसके अलावा नेक्स्ट सिमिलरिटी चेक करनी होगी, इसके बाद वो सिमिलर सेट्स में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, एक फंक्शन हमने डिफाइन करना होता है दो सेट्स के दरमियान। अब ये इनके दरमियान है, आपने जो है कार्डिनल नंबर्स की ऑर्डरिंग है, उसके लिए भी हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जो कि ए से बी में है। वो कह रहे हैं जी इसको पढ़ते कैसे हैं, द कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू द कार्डिनल नंबर ऑफ बी। जो इसमें है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए जो है या तो उससे लेस होंगे या उसके इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आगे भी इसने बताया कि ऑर्डर क्या होगा, कि नीचे भी उसने सिंबल बताई हुई है, एज यूजुअल विद द लेस वी हैव द फॉलोइंग एडिशन नोटेशन। देखे ना, स्ट्रिक्टली लेस हो सकती है, स्ट्रिक्टली हो सकती है, लेस इक्वल भी हो सकती है। देयर आर फोर ऑप्शंस, लेस देन टू ग्रेटर टू, ठीक है। ये तो आप होगा तो वो तो डिपेंड करता है कि आपके पास फंक्शन लिया तो क्या बना। अच्छा बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये कुछ एग्जांपल उसने ली हुई है। ये वही है कि जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि हमने शो करते हैं किसी सिंबल के साथ, अगर फाइनाइट सेट है तो उसको हम एन से मुराद जीरो से डिनोट करते हैं, टू से थ्री से। अगर कोई इन्फिनिट है और काउंटेबल है, इनडिनरेबल है, उसको हम अलीफा नॉट से, देखे ना,
अब उसने यहां से स्टार्ट किया है कि जीरो से लेकर अलीफा नाट तक जो एन है ना आपका वो अलीफा नाट से लेस होगा। क्यों लेस होगा? इसलिए लेस होगा कि एन जो है वो फाइनाइट के लिए है और अलीफा नाट जो है वो इनफिनिट सेट के लिए। ठीक है बेटा, इस वजह से ये। अच्छा दूसरा ये कि जो पावर ऑफ कंटिन्यूम है डेफिनेटली अलीफा नाट जो है वो सी से लेस होगा, स्ट्रिक्टली लेस होगा। ओके, जो सी है ना पावर ऑफ द कंटिन्यूम ये तो है नॉन डिनेबरेबल के लिए, जो कि एक ऐसा सेट होता है जो जिसकी पेनल्टी जो है वो पी के साथ इक्वल नहीं होती, जो डिनेबरेबल होता है। ठीक है ना, तो लिहाजा जो अलीफा नाट है वो किससे लेस होगा? सी से लेस होगा। ये नीचे देखे लिखा हुआ उसने, ऊपर उसने कंपेयर किया हुआ है, ये जो नजर आ रहा है आपको ये जीरो से लेस, जीरो लेस देन वन, वन इज लेस देन टू एंड सो ऑन, बीच में कहीं होगा लेस देन एन भी होगा, और ऊपर उसने बता दिया लेस देन एन इज लेस देन अलीफा नाट, और अलीफा नाट जो है सबसे बड़ी सिंबल होगी। इसी तरह से जब अगर हम ले लें उसको नॉन डिनेबरेबल सेट्स को भी ले लें तो फिर वो क्या होगा, फिर उसकी जो ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा जो नीचे उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, जीरो इज लेस देन वन इज लेस देन टू लेस देन थ्री एंड सो ऑन, लेस देन एन लेस देन एंड सो ऑन, लेस देन अलीफा नॉट लेस देन सी, नहीं कि इसका ऑर्डर ऐसे बनेगा। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई है कि नहीं? जी सर हो गई है। सर ये एग्जांपल रिपीट कर दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा, कोई बात नहीं, ये मेरे वाला भी इधर उधर हो गया, एक मिनट जरा मैं भी निकाल लूं। किधर गया? सारा मैं ढूंढ लू कहां पे है ये, वैसे भी इधर लैपटॉप पे इजी रहता है, मोबाइल पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये आ गया जी बेटा, यहाँ पे जो बताया गया है ना वो ये बताया गया है कि हमारे पास जो कार्डिनलिटी होती है वो फाइनाइट सेट्स की क्या होती है, इनफिनिट काउंटेबल सेट्स की क्या होती है, और जो नॉन डिनेबरेबल है उनकी क्या होती है। वो तरतीब में लिखा हुआ है कि जैसे एम्प्टी सेट है उसकी कर्नेलिटी जीरो है, और सिंगलटन सेट है उसकी कर्नेलिटी वन है, और जिसमें दो एलिमेंट है उसकी कर्नेलिटी टू है, इसी तरह से जिसमें एन एलिमेंट्स है उसकी कर्नेलिटी एन है, और ऐसे सेट जो काउंटेबल है डिनेबरेबल है उनकी जो कर्नेलिटी है वो अलीफा नाट है, और वो इंटरवल वो सेट जो कि आई के साथ इकोपोटेंट है उनकी कर्नेलिटी जो है वो पावर ऑफ द कंटिन्यूम है, यानी कि सी है। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे बेसिकली बताया गया, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ भी आगे जाके हम करेंगे, यहाँ प्रूफ नहीं है। मैंने कहा था कि ये कैंटर थ्योरम है, और ये कैंटर थ्योरम में क्या स्टेटमेंट है ये बड़े अच्छे तरीके से याद कर लो इसकी स्टेटमेंट, कहते हैं फॉर एनी सेट ए वी हैव कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, यानी कि अगर आपके पास कोई सेट ए है उसका पावर सेट लें, आपको पता है पावर सेट कैसे लिया जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, जरा आप लोगों के लिए इजी भी हो जाएगा। देखिए कोई सेट ए है उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो बताइएगा इसके कितने एलिमेंट्स हैं, देयर आर थ्री एलिमेंट, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री। अगर आप इसका पावर सेट बनाए तो पावर सेट में क्या बनेगा, एक एम्प्टी सेट आएगा, तीन सिंगलटन सेट आएंगे, तीन इसमें सेट होंगे जिनके दो एलिमेंट्स होंगे, एक जो है वो खुद होगा, और टोटल जो है वो एट एलिमेंट्स होंगे। उसका मतलब है कि उस पावर ऑफ ए की जो कर्नेलिटी है वो क्या होगी, वो जो है वो हमारे पास ये बच्ची को आवाज, बच्चे को आवाज नहीं आ रही, बेटा जरा सिग्नल चेक करें अपने नहीं आ रहे, मेरे पास तो आवाज ठीक है, किसी और का ही कोई प्रॉब्लम है जिसको आवाज ना आ रही हो? नो सर, आ रही है, एक बच्चे को नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं बेटा, अक्सर हमें भी नहीं आती। अच्छा चले,
तो उसके एट एलिमेंट्स हैं तो हम कहेंगे द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू एट। तो यहाँ वैसे ही हमें नजर आ रहा है कि भाई थ्री जो है वो लेस होता है एट से। तो ये कैंटर थ्योरम है, वो इंशाल्लाह आगे जाके इसका प्रूफ दिया वो करेंगे। फिलहाल हम आगे बात कर रहे हैं, कुछ ये सिंबल उसने ली हुई है कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू अल्फा, देन वी लेट टू रेस्ट पर अल्फा इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अभी बताया ना आपको कि उसके एलिमेंट जो है थ्री है, तो दूसरे के क्या होंगे, पावर सेट ऑफ ए के कितने एलिमेंट्स होंगे, टू की पावर थ्री, यानी कि एट हो जाएंगे। कहते हैं इसी दिस नो डाउट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इफ ए फाइनल सेट ए हैज एन एलिमेंट एंड पावर सेट ऑफ ए टू एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स। देखिए सिंपल बात है, ये अगर कोई इन्फिनिट सेट है तो उसको तो हम अल्फा से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर वो फाइनाइट है तो वो डेफिनेटली उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए है वो n है, तो पावर सेट ऑफ ए में होंगे n। तो हमने अभी मैंने एग्जांपल बताया तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। जी बेटा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? सर अब आ रही है, पहले कट कट के आ रही थी। कट आ रही थी, आप सही आ रही है। अभी भी सर मसला जी नहीं थी आ रही। सही आ रही है सर, अब सही आ रही है। अच्छा अच्छा चले जी, ये नामुल्ला को भी आवाज सही नहीं आ रही थी। बेटा आपको पता है कि इस वक्त सारे इंटरनेट के ऊपर बिजी होते हैं, तो यूनिवर्सिटी में तो वैसे ही कल भी नेट में नहीं आ रहा था, तो मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। अगर आपको आवाज आ रही है तो इससे करें। देखना मैं अभी आपको ट्रांसिटों में प्रॉपर्टी की मैंने बात की थी, लॉ सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा बेटा, अभी अब थोड़ा सा सिग्नल सही होते हैं तो फिर चेक करते हैं, अभी थोड़ी देर वेट करें। जी आप बताइए आवाज आ रही है सर? थोड़ी थोड़ी कट रही है। बेटा आवाज आ रही है? क्लियर नहीं है। कट रही है? कट रही है सर, क्लियर नहीं है। आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी आप बताइएगा आप सही आ रही है कि नहीं? ये सब सही है, बस ठीक है। अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं और। जी नंबर वन में वो कह रहा है कि फॉर एनी सेट ए वी हैव, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है ना उसी के मुताबिक उसने कहा है कि जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो इटसेल्फ इक्वल होती है ना, और टू में कहा हुआ है कि जो ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी होती है वो बता रहा है वो यहाँ पे, कि अगर ए की कार्डिनलिटी जो है वो लेस देन या इक्वल होगी कार्डिनलिटी ऑफ बी की और बी की कार्डिनलिटी सी से होगी, डेफिनेटली जो पहला होगा वो तीसरी से कार्डिनलिटी लेस या इक्वल होगी। तो वो कह रहा है कि द सेकंड प्रॉपर्टी ट्रांसिटिविटी कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इफ देयर इज अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एंड another function g from b to c are both one to one and onto, then the composition g circle f from set a to c is also one to one. तो वो जो composition function होगा वो भी one to one होगा। तभी तो उसने, हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ था कि अगर कोई दो function है वो one to one है, ये bijective है, basically bijective है, तो जो उनकी कंपोजिशन होगी वो भी बाइजेक्टिव होगी। बेटा पढ़ा था ना पीछे कि नहीं पढ़ा था, याद है कुछ? कल वाले लेक्चर में शायद पढ़ा था, ये कल पढ़ा था इससे पहले? अच्छा, कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं बोलते, ये क्या वजह? चंद
बच्चे बात करते हैं, बाकी खामोशी से या तो स्पीकर ऑन करते हैं और अपना सोए रहते हैं। जब बात करते हैं 3-4 बच्चे बात करते हैं, ज्यादा बच्चे बात नहीं करते। इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये बच्चे जो है ना ये कनेक्ट करके ना इधर उधर हो जाते हैं, नाश्ता करने लग जाते हैं, सोने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं। अगर मैं किसी को रेंडमली पूछूं कि वो यहाँ मौजूद है कि नहीं, अभी पता चल जाता है। अच्छा ये मुझे बताइए, सबा परवीन इधर है? यस सर। जबरदस्त। अंबर नायाब? यस सर। ठीक हो गया जी। नुमान इकबाल? जी सर। मुकद्दस शाहीन? यस सर। मोहम्मद बिलाल? इसका आवाज नहीं आ रही थी, यहाँ भी बिलाल अब आवाज आ रही है? यस सर। सर जबरदस्त। मेरे बच्चे सारी जाग रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कितना शौक है पढ़ने का। Yes, शौक है ना? नहीं पढ़ोगे हमारे साथ कनेक्ट रहोगे तो हम ऐसे ही बात कर रहे हैं जिस तरह हम फिजिकली क्लास में बात कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना? Yes, sir. हाँ चल जी, बड़ी अच्छी बात। मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा था कि मेरे बच्चे सारे जो है सब जाग रहे हैं। कोई वैसे आप में से ऐसा बच्चा तो नहीं जो भी कनेक्ट करके चला गया? नहीं है। डिस्कनेक्ट बीच में हो जाता है, वो तो नेटवर्क इशू हो सकता है ना, वो ऐसा इशू नहीं है। ठीक है बेटा, चले। ये उन्होंने फिर वो जो बात हमने पहले कही थी, कल बात की थी, वही उन्होंने यहाँ बात कर दी है। और नीचे वो लिखता है, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू ए, देन ए इज इक्वल टू बी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है दो नंबर जो होते हैं कोई से भी दो रियल नंबर या लेस होते हैं या दूसरे से या ग्रेटर होते हैं या इक्वल होते हैं। ना कोई नंबर उठा ले दो, जैसे वन और टू है, वन लेस है टू से, टू लेस है वन से। अगर इक्वल लेना है तो वन वन के इक्वल है, टू टू के इक्वल है। ये प्रॉपर्टी है बेसिकली, वो एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी ही है ये, जिसको हम ट्राइसोटोमिक प्रॉपर्टी यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी ये दो रियल नंबर उनके में या वो। अच्छा ये वाली जो है ना, सॉरी ये वाली जो है ये ट्राइसोटोमिक प्रॉपर्टी की एंटीसिमेट्रिक है। ट्राइसोटोमिक प्रॉपर्टी पता क्या है? वो वही है जो मैंने बात की थी कि यहाँ तो देन आ गया ना, वहां देन नहीं होता, वहां पे तीन कंडीशन होती है, ए लेस देन इक्वल टू बी या b is less than equal to a या a is equal to b। ठीक है, और ये जो आपने बताई है बिल्कुल ठीक बताई है, ये हमारी जो है ये एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बिल्कुल बिल्कुल जी। a related to b, b related to c, और a related to b, b related to a, so a is equal to b। यही पढ़ा था हमने? यस सर। जबरदस्त। अच्छा आगे ना ये श्रोडर प्रस्टाइन थ्योरम है 6.10 में, वो कह रहा है जी इफ ए, ये कार्डिनलिटी है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये कार्डिनलिटी है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पढ़ना आपने। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर की होती है। वो कहते हैं इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू, देन ए इज इक्वल टू बी। कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये सिंपल बात है ना। अभी वो पीछे नंबरों में बता के आया है, अगर जो है वो एक नंबर दूसरे से लेस है या ग्रेटर है तो दोनों नंबर क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। अच्छा आगे ये एक और 6.11, ये बेटा ये जो स्टेटमेंट आपने इसकी देखनी है, ये इम्पोर्टेंट है इसके लिहाज से भी, एमसीक्यूज के लिहाज से भी। ठीक है, अगर आपका फिजिकल पेपर होता है तो फिर तो आपने थ्योरम भी याद करने हैं, अगर फिजिकल पेपर नहीं होता फिर तो एमसीक्यूज के लिए आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बड़े अच्छे क्लियर होने चाहिए। ठीक है? Yes, अभी बेटा पता नहीं ना कि ये कंफर्मी से क्लासेस हो रही है कि नहीं हो रही, जब हमें यूनिवर्सिटी कहेगी तो उसके मुताबिक ही चलेंगे, देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल तो ये 6.11 में क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है जी लेट एक्स वाई एक्स वन बी सेट्स सच दैट x is the superset of y, y is the superset of x1 and x is equipotent to x1, then
x is equipotent to y, देखे ना, ये बड़ा जबरदस्त है, इसका भी प्रूफ जाके करेंगे बेटा। एक कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वो स्टेटमेंट देता है, प्रूफ कहीं और है, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट को समझ ले तो बड़ी अच्छी बात है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि तीन सेट लिए हैं उसने और ये इस तरह से सुपर सेट है। फिर कह रहा है कि अगर x जो है वो इक्विपोटेंट हो जाए x1 के, देखे ना x जो है वो तीसरे नंबर पे है, यानी x पहले भी है और तीसरे नंबर पे x1 है, तो डेफिनेटली अगर ये इक्विपोटेंट है x और x1 तो बीच वाला जो है ना x और y वो भी क्या होंगे, इक्विपोटेंट, डेफिनेटली इक्विपोटेंट होंगे, ठीक है। और नीचे भी उसने कहा हुआ है कि ये जो उसने रेक्टेंगल में कहा हुआ है, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये है असल में ट्राइसोटोमी प्रॉपर्टी, जो ये बताइए जो मैं काफी देर से बता रहा था। सर फिर ये x1 y इक्विपोटेंट होंगे ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, y जो x1 के भी होगा। यस सर। अच्छा आप वो कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वो ये मैंने बताया था कि ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अच्छा ये बच्ची कुछ कह रही है, क्या बेटा बोलिएगा जरा, जो आपने मैसेज अभी किया बच्ची ने, इसका डिस्कनेक्ट हो गया था बच्ची का, क्या कहना चाह रही है बेटा या बोला? सर कामरान हो सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया तो सर प्लीज अटेंडेंस लगा दो। अटेंडेंस लगा दे या दोबारा अटेंडेंस भेज देंगे, कौन सी ऐसी बात है, परेशान नहीं होना मेरे बच्चे। आप आ गए हो ना, ये बड़ी आप आ गए हो ना, ये बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सर। कार्डिनलिटी में भी बेटा वो लॉ ऑफ ट्राइसोटोमी प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर रहा है, कहता जी पारेनी टू सेट ए एंड बी एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जिस नंबरों में है ना। देखो कार्डिनलिटी भी तो आपको नंबर ही बताता है ना कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो रियल नंबर भी नंबर ही होते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर कार्डिनलिटी ए की बी से लेस है, यानी कि तीनों में से एक कंडीशन होल्ड करती है, या ए की कार्डिनलिटी बी से लेस होगी, या ए जो है उसकी कार्डिनलिटी बी के इक्वल होगी, या ए की कार्डिनलिटी जो है वो बी से ग्रेटर होगी। और उसको कार्डिनल नंबर को शो किया हुआ है, ए की कार्डिनलिटी अल्फा कहा हुआ है, बी की कार्डिनलिटी बीटा कहा हुआ है, तो तीनों में से एक कंडीशन होल्ड करेगी, या अल्फा लेस होगा बीटा से, या अल्फा इक्वल होगा बीटा के, या अल्फा जो है वो ग्रेटर होगा बीटा के। अब नीचे एक उसने कंटिन्यूम हाइपोथेसिस दिया हुआ है, वो कहता है जी बाय कैंटर्स थ्योरम अल्फा नॉट इज लेस देन 2 रेस्ट ऑफ अल्फा नॉट, ये पीछे हमने किया था अल्फा के साथ, एंड नोटेड प्रीवियसली अल्फा नॉट इज लेस देन सी, अल्फा नॉट जो आपको पता है लेस देन सी होता है। द नेक्स्ट इंप्रूव्ड इन दिस टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन 2 रेस्ट ऑफ अल्फा नॉट एंड सी, यानी कि अब ये थ्योरम 6.13 इसका प्रूफ आगे उसमें दिया हुआ है एक्सरसाइज में, वो कह रहा है कि 2 रेस पर अल्फा नॉट जो है वो इक्वल होता है सी के। डेफिनेटली जब जाके देखेंगे इसमें किस तरह से उसको देख लेंगे। आगे कंटिन्यूम हाइपोथेसिस भी दिया हुआ, कहते देयर एग्जिस्ट नो कार्डिनल नंबर बीटा सच दैट, कहते जी वहां पे कोई बीटा नहीं है जिसके ये ऐसा हो कि अल्फा नॉट इज लेस देन बीटा is less than c, यानी कि कोई जो है ना c और अल्फा नॉट के दरमियान में कोई और कार्डिनल नंबर शो नहीं होता। एक अल्फा नॉट वो है जिनका जो कि डिनंबरेबल के लिए यूज किया जाता है, और c जो है वो पावर ऑफ कंटिन्यूम के लिए यूज किया जाता है, इसका ध्यान रखना, और कोई कार्डिनल नंबर नहीं है इसके अलावा। आगे जी हमारे पास कार्डिनल अरिथमेटिक है, सिंपल सी बात है, इसके अंदर कुछ यही है जो पहले हमने किया हुआ है। कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल कार्डिनल नंबर्स कैन बी कंसीडर्ड टू बी ए सुपर सेट ऑफ फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वही जो हमने पहले बात की थी ना उसी तरह से ये शो किया हुआ है कि एम्प्टी के लिए ये है, सिंगलटन के लिए ये है, इस तरह से। अब इनकी जो कार्डिनल नंबर है ना वो बेसिकली सिंबल्स हैं, वो कह रहे हैं जी उनकी एडिशन कैसे करनी है और उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। एडिशन जैसे करते हैं वैसी होगी, जैसे उसने बताया हुआ है कि ये जैसे ये इसको देखते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द काउंटिंग नंबर्स
n are sometimes treated from the point of view of set theory. The intersection of 2 plus 3 is equal to 5, for example, is given by the picture in figure 6.3 6.3 ये दी हुई है यानी कि एक में टू एलिमेंट्स हैं एक में थ्री एलिमेंट्स हैं तो इन तीनों का दोनों सेट्स को हमने जब ऐड किया तो लिखा टू और थ्री यानी कि कितने बन गए ये टोटल फाइव बन गए वो लिखता है नेमली द यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स वन हैविंग टू एलिमेंट्स एंड द अदर हैविंग थ्री एलिमेंट्स आपको मैंने स्टेटमेंट पढ़ाई थी याद होगा आपको अरे डेफिनेशन अगर ये 6.7 डेफिनेशन है इधर लेट अल्फा एंड बीटा बी कार्डिनल नंबर्स एंड लेट ए एंड बी बी डिसजॉइंट सेट्स विद अल्फा इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड बीटा इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी देन द सम ऑफ अल्फा एंड बीटा इज नोटेड एंड डिफाइंड बाय दिस अभी वो बात की है ना हमने कि अगर कार्डिनल नंबर ए का कार्डिनल नंबर अल्फा है बी का जो है वो बीटा है और उनका यूनियन लें तो उनकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल आएगी कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा लेकिन ये कब होती है बेटा जब डिसजॉइंट होंगे अगर डिसजॉइंट नहीं होंगे तो फिर नहीं होगी फिर उसमें से वो जो सेम वाला हो ना वो माइनस करना पड़ता है यस सर उनका इंटरसेक्शन सिंपल बात है दो कार्डिनल नंबर हमारे दो सेट दिए हुए हैं दोनों फाइनाइट सेट हैं एक का कार्डिनल नंबर फॉर नंबर 2 है एक का कार्डिनल नंबर 3 है तो दोनों का कार्डिनल नंबर क्या होगा 2 प्लस 3 एडिशन हो गई तो यहां पे उसने m और n कह दिया जनरल कह दी है और b में कह रहा है जी लेट n बी अ फाइनाइट कार्डिनल नंबर देन n प्लस इनफिनिटी इज इक्वल टू इनफिनिटी बेटा देखिए ना उसने दो सेट लिए एक फाइनाइट सेट है एक इनफिनिट सेट है तो दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो एक इनफिनिट सेट ही बनेगा ना वो इनफिनिट सेट क्या होगा वो डिनोमिनेटेबल होगा काउंटेबल होगा तो उसकी जो कार्डिनलिटी क्या होगी अल्फा नॉट आ जाएगी क्या आ जाएगी सॉरी उसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी अल्फा नॉट कोई फाइनाइट में इनफिनिट को ऐड करेंगे तो इनफिनिटी आ रहा है ना तो उनकी कार्डिनलिटी क्या होगी बेटा अल्फा नॉट हो गई है अब दो है हमारे पास काउंटेबल सेट इनफिनिट काउंटेबल सेट और उनके लिए दोनों की डेफिनेटली क्या होगी दोनों की अल्फा नॉट होगी तो ऐड करेंगे क्या आ जाएगी अल्फा नॉट ये देखें उसने एग्जांपल भी दी हुई है एक उसने इवन नंबर का सेट दिया है एक ऑड नंबर का सेट दिया दोनों का जब यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर का सेट आ जाएगा तो दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो गई है अल्फा नॉट अच्छा पावर ऑफ कंटीन्यूम देखें कहते हैं जी सी प्लस सी करेंगे तो सी आएगा बिल्कुल डेफिनेटली दो इंटरवल उसने लिए एक 0 से 1 बाय 2 लिया है एक 1 बाय 2 से 1 लिया है तो दोनों का यूनियन लिया तो क्या आएगा आंसर 0 टू 1 तो उनकी कार्डिनलिटी क्या हो गई है सी पावर ऑफ दी कंटीन्यूम ठीक है बेटा क्लियर होगी बात यस सर यस सर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं जी नुमान क्या कह रहे हो सर सर ये रिपीट कर दें कार्डिनल अरिथमेटिक की डेफिनेशन रिपीट कर दें प्लीज जी बेटा बात ये मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेकर बताता हूँ अगर आपके पास दो फाइनाइट सेट है एक के एलिमेंट्स हैं फॉर नंबर 3 एक के 4 दोनों की कार्डिनलिटी क्या होगी जब यूनियन लेंगे तो 3 प्लस 4 7 हो जाएगी ठीक है जी सर अगर एक आपके पास फाइनाइट सेट है उसकी कार्डिनलिटी 2 है एक इनफिनिट सेट है उसकी कार्डिनलिटी अल्फा नॉट है जब दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा एक इनफिनिट सेट ही आएगा ना तो उसकी कार्डिनलिटी फिर क्या आ गई अल्फा नॉट ठीक है इसी तरह
कार्डिनेट की रिफा नॉट है, तो दोनों को यूनियन लेंगे तो वो भी रिफा नॉट ही रहेगी। इसी तरह से अगर दो नॉन डिनेबरेबल सेट है उनकी कार्डिनेटी दोनों की सी है, तो जब आप उनका यूनियन लेंगे तो भी उसका जो आंसर आएगा वो भी एक नॉन डिनेबरेबल सेट होगा, तो उसकी कार्डिनेटी क्या होगी, सी होगी। ठीक हो गया, मेरा ख्याल यहाँ तक रहने दे आज, ठीक हो गया। यस सर, यस सर, यस सर, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ लिया? यस सर, यस सर, ये काम पड़ा सर, ज्यादा पढ़ा सर जी, ज्यादा पढ़ा सर जी, ज्यादा पढ़ लिया। चले यार, मैं अगर जवाब कहेंगे ना ज्यादा पढ़ लिया फिर मैं मानूंगा, ठीक है ना, ये ना कहें कि नहीं पढ़ा था। और कोई बात सर, अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले, ये यानी इनफिनाइट का और ये इलिफानाट का, तो वो फिर n के इक्वल आ जाएगा ना? इंटरसेक्शन में तो फिर कॉमन देखना पड़ेगा ना क्या है, वो तो और चीज हो जाएगी। जी सर, वो जो है ना, जो आप कह रही है वो तो कुछ और उससे हो जाएगा ना, वो